नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक नेटवर्क्स में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक से ज़्यादा मीन टू से दो या दो से ज़्यादा राउटर अगर आपको एक ही नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो कैसे किया जा सकता है। जैसे कि मैं इससे पिछले पार्ट में आपको बता चुका हूँ, वो पार्ट मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपके साथ। वहाँ हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि दो से दो से ज़्यादा राउटर को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो उस चक्कर में कुछ शॉर्ट में आपको डिटेल्स बताई थी। काफ़ी चीज़ें पॉइंट मेंशन करना रह गया था वहाँ पे, जो कि मैं इसमें कवर करूँगा। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में, वो इस टाइप से प्रोसेस था और ये प्रोसेस मैंने आपको सारा समझाया था वहाँ पे। लेकिन कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो मैं चाहता था कि आप लोगों को टेक्निकली समझाऊँ, जिससे कि आपको डीपली समझ में आए और आप कोई भी चीज़ हो खुद से कर सकते हो कि कैसे करके मल्टीपल राउटर्स को कनेक्ट करना है, जिससे कि कोई भी चैलेंज ना आए। तो चलिए उस इस प्रोसेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से आपको बता देता हूँ। मैं एक सीट ले लेता हूँ दोस्तों। ये मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ। ये मेरा रहेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, INTERNET, इंटरनेट प्रोवाइडर। ये मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर है जिसके थ्रू मेरे को इंटरनेट मिल रहा है। इंटरनेट प्रोवाइडर क्या करेगा, अपने एंड से एक केबल लेके आपको दे देगा। किस तरह से वो केबल आपके नेटवर्क में इंस्टॉल कर देगा, राउट ISP प्रोवाइडर जो भी होगा, इस तरह से आपके राउटर के वैन पोर्ट में वो कनेक्ट हो जाएगी। जो भी बाहर से आपकी केबल आती है वो आपके वैन पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगी। और जो आपका राउटर है, सपोज राउटर का IP आपका रहेगा 192.168.1.1, जैसे ही ISP आएगा, ISP वाला आपका राउटर लॉगिन करेगा, उसको कॉन्फ़िगर करेगा। उसमें कुछ चीज़ें हो सकती है, क्या पता वो आपका स्टैटिक IP पे कॉन्फ़िगर कर दे, वो उस पर डिपेंड है, या फिर दोस्तों PoE पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट एक प्रोटोकॉल है, वो इससे भी कॉन्फ़िगर कर सकता है आपको राउटर, आपके राउटर को। ठीक है, मल्टीपल प्रोटोकॉल से ज़रूरी नहीं है, वो आपका डायनेमिक भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है ISP पे कि वो किस चीज़ पे कॉन्फ़िगर करना चाह रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जिसके थ्रू वो कॉन्फ़िगर करेगा, वो आके आपका राउटर कॉन्फ़िगर कर देगा। और यहाँ पे आप अपना एक लैपटॉप लगा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक लैपटॉप ले लेता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा यहाँ पे PC है, मैं इसको PC नाम दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये PC है, इसको आप लैन केबल से कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। जैसे आप लैन से कनेक्ट करते हैं, ये मेरा लैन केबल से कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, यहाँ पे आप इंटरनेट चला पा रहे हैं। अभी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप एक और राउटर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो एग्जाम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और राउटर ले लेता हूँ। ये मेरा राउटर रहेगा, इसको मैं नेम दे देता हूँ राउटर टू। और जो मेरा पहला था इससे पहले, इसको मैं नाम दे देता हूँ राउटर 1। अब जो मेरा प्राइमरी राउटर है उससे मैं एक और राउटर कनेक्ट करता हूँ। तो जनरली होता क्या है, हम जो हमारे पास ऑलरेडी राउटर है उसके लैन पोर्ट से एक केबल लेके जाएंगे, और जो हमारा दूसरा राउटर है जिसको हम अभी कनेक्ट कर रहे हैं उसके वैन पोर्ट में हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से होगा। आपका जो दूसरा राउटर है उसके वैन पोर्ट में केबल लगेगी और ये प्राइमरी राउटर के लैन से केबल निकलेगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे होता है, दूसरे राउटर का IP आपका कुछ भी हो सकता है, मेक श्योर कि जो प्राइमरी राउटर का IP है, जैसे यहाँ इस केस में 192.168.1.1 है, वो आपका सेकेंडरी के केस में नहीं होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए आप सेकेंडरी राउटर का IP कुछ इस तरह से चेंज कर लीजिए, 192.168.2.1 कर सकते हैं आप उसको, जिससे कि प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का IP एड्रेस सेम ना हो। अब दोस्तों क्या है, ये हम कॉन्फ़िगर दो राउटर को अपने आपस में कनेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी चैलेंज क्या आता है, जो हमारा दूसरा राउटर है, अब जब उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए जनरली आप अगर स्टैटिक मोड पे जाएं तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमको जो हमारा सेकेंडरी राउटर है राउटर 2, उसको हम स्टैटिक IP देंगे। जो इस राउटर का वैन में हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो IP एड्रेस क्या होगा, तो जो हमारा प्राइमरी राउटर का IP एड्रेस सीरीज है, सपोज 192.168.1.1 से लेकर 254 है, तो हम इसके बीच का एक ऐसा IP लेंगे जो ऑलरेडी मेरे प्राइमरी राउटर के साथ ना चल रहा हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे 192.168.1.16
सपोज मैं 55 ले लेता हूँ, ये आईपी मेरा कहीं नहीं चल रहा था, तो ये आईपी मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको मेंशन करता हूँ, मैं आईपी इंटर कर दिया, यहाँ पे फिर मेरे को क्या करना पड़ता है, सबनेट देना पड़ता है, जो भी मैं सबनेट यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्लास सी का आईपी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा सबनेट कुछ इस तरह से होने वाला है 255.255.255.0। इसको मैं थोड़ा और डीपली बता देता हूँ आपको। और कुछ इस तरह से इसका गेटवे होगा। गेटवे मीन टू से जो मेरा प्राइमरी राउटर है, उस राउटर का आईपी, राउटर का आईपी है मेरा 192.168.1.1। तो मैं प्राइमरी राउटर का आईपी भी असाइन कर चुका हूँ। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मैंने स्टैटिक आईपी यही क्यों दिया जबकि इंटरनेट प्रोवाइडर ने कुछ और दिया है। आपको ध्यान रखना है जो मेरा सेकेंडरी राउटर है, राउटर टू, उस पर इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, राउटर वन से। तो राउटर टू के लिए इसका इंटरनेट प्रोवाइडर कौन सा हुआ, राउटर वन। जो भी राउटर वन का आईपी का पूल होगा वो सेकेंडरी राउटर, जो राउटर नंबर टू होगा, उसी की सीरीज की आईपी एड्रेस होगी, सबनेट होगा और गेटवे होगा, उसी से उसका नेट चलेगा। ठीक है, एक और राउटर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं एक और राउटर ले लेता हूँ यहाँ पे, राउटर थ्री, जस्ट टू क्रॉस चेक कि दोबारा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे मेरा ये है राउटर थ्री। अब मैं राउटर थ्री को कनेक्ट करूंगा तो राउटर थ्री का एक अपना आईपी एड्रेस भी होगा। जैसे कि मैंने बताया था राउटर का आईपी अपने आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको 3.1 सीरीज का एक आईपी असाइन कर देता हूँ राउटर को। अब मेरा किसी भी राउटर का आईपी अपने आपस में मैच नहीं कर रहा है। ये कुछ इस तरह से मैंने राउटर का आईपी असाइन कर दिया। अब मेरा एक और प्रोसेस होगी, जो राउटर टू है उसको कनेक्ट करना है राउटर थ्री से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो राउटर टू का लैन पोर्ट होगा वो राउटर थ्री के वैन पोर्ट में कनेक्ट होगा। अब ये वैन पोर्ट में मैं कनेक्टिविटी बना चुका हूँ। अब मेरे को जैसे ही इसकी मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा स्टैटिक आईपी। इसका स्टैटिक आईपी कौन सा होगा, जो राउटर टू है आपका उसकी सीरीज में जो भी आईपी आपका फ्री हो वो आप डाल देंगे। सपोज 192.168. राउटर इसका आईपी है 2. सीरीज में मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया 2.55 एक फ्री आईपी है, तो मैं यहाँ पे इसको यूज कर लूंगा। ये उसके बाद मैं सबनेट यूज करूंगा, इसका सबनेट जो राउटर टू का है 255.255.255.0। सबनेट असाइन करने के बाद मैं असाइन करूंगा इसको, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक तो नहीं हुई, इसको दोबारा कर लेता हूँ मैं। इसका स्टैटिक आईपी होगा 2.55 मैंने ले लिया है, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इसका। और इसका सबनेट होगा 255.255.255.0 और इसका गेटवे होगा 192.168. दूसरे राउटर का आईपी। जैसे ही मैं ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करता हूँ तो मेरे राउटर जो यहाँ पे भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, सपोज यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ये एक मेरा कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर मेरा इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है। मैं इनको इसको लैन केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैं एक साइन कर लेता हूँ PC2 एंड PC3। ठीक है, तो जैसे ही मैं असाइन करता हूँ, ये मैं इनको नेमिंग कर चुका हूँ। अभी आप इन पे नेट चलाएंगे तो इनको दोस्तों इजीली नेट चलेगा। इसी प्रोसेस में आप मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से कनेक्ट किया हुआ था, इस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको प्रोसेस यही रखनी है कि एक राउटर से मल्टीपल राउटर किस तरह से हम लोग असाइन कर सकते हैं। मेक श्योर करना है आपको कि एक राउटर के साथ जो प्राइमरी राउटर का आईपी है वो आईपी बाकी राउटर्स में नहीं होना चाहिए। हर राउटर का आईपी डिफरेंट रखना है। आपको ध्यान रखना है इंटरनेट प्रोवाइडर का मीनिंग यहाँ पे ये है जो मैं नेटवर्क बता रहा हूँ, जहाँ से मेरे को इंटरनेट मिल रहा है। जैसे मेरा राउटर वन है, उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है, तो जो भी आईपी होगी वो डिपेंड करेगा इंटरनेट प्रोवाइडर पे। लेकिन राउटर टू मेरा अपना है, मैं उसको राउटर वन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो राउटर टू के लिए इंटरनेट प्रोवाइडर राउटर वन हुआ। तो जो भी उसकी स्टैटिक आईपी, सबनेट मास्क, गेटवे होगा वो डिपेंड करेगा राउटर वन से। ऐसे ही जो राउटर थ्री है उसके लिए इंटरनेट प्रोवाइडर मेरा राउटर टू रहेगा, तो उसका जो भी एड्रेस रहेगा वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। यही प्रोसेस आप जितने नंबर ऑफ राउटर्स कनेक्ट करना चाहते हैं यही करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही।
कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।